नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है प्रेजेंटेशन है वो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में है। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हमने स्पेशली बच्चों के लिए बात की थी कि 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु के बारे में, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है कि महिलाएँ जो गर्भवती हो चुकी हैं उनको किस तरह के स्वास्थ्य और उनके पोषण का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो जैसे कि ध्यान देने वाली बातें हम शुरुआत करते हैं, तो फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक महिला को उल्टियां शुरू हुई तो घर की जो बूढ़ी बुज़ुर्ग औरत होती है वो घोषित कर देती है कि माँ वो औरत गर्भवती हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें और भी गौर करने वाली बात होती है, जैसे मासिक चक्र उस महिला का रुक चुका है, औरत को चक्कर आ रहे हैं, मितलाई आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान है, तो ये एक लक्षण होते हैं कि महिला गर्भवती हो सकती है। ऐसे में नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर गर्भावस्था की जाँच अवश्य कराएँ। आजकल प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हैं, 30-40-50 रुपये में आसानी से मिल जा रहे हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको बेहद आसान होता है, जब आप लेंगे तो मेडिकल स्टोर वाला भी वो आपको सिखाएगा, आशा से भी आप सीख सकती हैं, या फिर उस कार्ड के पीछे में प्रक्रिया पूरी आसानी के साथ लिखी रहती है। एक बार जब कंफर्म हो जाए कि हाँ महिला गर्भवती है, तो अब सबसे पहला काम ये होता है कि गाँव की आशा दीदी या एनएम दीदी से मिलकर महिला का जच्चा बच्चा कार्ड ज़रूर बनवा लें। टेटनेस का टीका उसी वक्त लगा दिया जाए। टेटनेस के टीके के साथ में एनम दीदी फॉलिक एसिड या आयरन की 100 गोलियां ज़रूर देंगी। उन 100 गोलियों को लगातार महिला को खिलाना है और महिला के पोषण का ध्यान देते रहना है। बात करते हैं पोषण की, तो एक हर महिला की इच्छा होती है, हर परिवार की इच्छा होती है कि घर में आने वाला नया मेहमान जो है वो तंदुरुस्त हो। तो इसके लिए एक महिला के स्वास्थ्य की उसके पोषण का ध्यान रखना चाहिए। महिला को प्रतिदिन 2100 कैलोरी का आहार देना चाहिए, जिसमें फूड व न्यूट्रिशन बोर्ड के अनुसार जो महिला का आहार है वो 300 कैलोरी अतिरिक्त मिलनी चाहिए, ताकि जो बच्चे का पोषण है, जो पेट में मौजूद बच्चा है उसका पोषण है वो पूरा हो सके। महिला को पूरे अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में मिलते रहने चाहिए। अगर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो शराब पीता है तो उसका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दे। महिलाएं कई बार आजकल मौजूदा दौर में आधुनिक हो चुकी हैं, तो वो भी शराब का सेवन करती हैं, तो वो भी कृपया ना पिएं। फास्ट फूड जंक फूड्स का प्रयोग बिल्कुल वर्जित कर दें, बल्कि पोषक फल सब्जियां, दूध और ताज़े फलों का रस इत्यादि का प्रयोग करें, जो बहुत अच्छा होता है। घर में यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो बिल्कुल उसी वक्त बंद कर दिया जाए। धूम्रपान महिला के लिए, उस बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर बच्चा स्वस्थ रखना है तो माँ के शरीर को कौन कौन से मिनरल्स और प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन जो शरीर के मांसपेशियों को बनाता है, ये महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके शरीर में एक बच्चा पल रहा है, एक नया जीवन पल रहा है, जिसके शरीर का निर्माण हो रहा है। उसके शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि अगर देखा जाए तो 60-70 ग्राम प्रोटीन डेली महिला को मिलना चाहिए, जो उसके गर्भाशय और स्तन और गर्भ के विकास की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। और महिला के अंतिम 6 महीनों के दौरान कम से कम 1 किलोग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके लिए महिला को प्रोटीन युक्त आहार दिए जा सकते हैं, जिसमें दूध, दूध से बने व्यंजन, मूंगफली, पनीर, चीज़, काजू, बादाम, दलहन, मांस, मछली, अंडे आदि सबका समावेश होता है। अगली बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, प्रतिदिन कम से कम 1500 से 1600 मिलीग्राम कैल्शियम मिलना चाहिए। अगर घर में ऐसा जो है भोजन नहीं है, तो उस लिए महिला को अलग से दवाइयां भी लेनी पड़ सकती हैं, जो कैल्शियम के टॉनिक्स आती हैं। कैल्शियम के लिए दूध, दूध से बने व्यंजन, दलहन, मक्खन, चीज़, मेथी, बीट, अंजीर, अंगूर, तरबूज, तिल, उड़द आदि का सेवन किया जा सकता है। जिन घरों में मांस खाया जाता है, मांसाहारी हैं, तो वो लोग मांस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, अगला तत्व जो आता है वो आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड शरीर में खून को बढ़ाता है, तो प्रतिदिन 4 mg की एक फॉलिक एसिड की गोली लेना बहुत ज़रूरी है, जो हमने शुरुआत में ही बात की है। इसके अलावा फॉलिक एसिड जो है वो उल्टी जो होने लगती है उन पर रोक लगाता है, शरीर में खून बढ़ाता है, तो इसलिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड की पूर्ति करने के लिए फॉलिक एसिड युक्त
आहार लिए जाने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें दाल, राजमा, पालक, मटर, मक्का, हरी सरसों, भिंडी, सोयाबीन, काबुली चना आदि और फलों का समावेश होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रयोग करनी चाहिए। चौथी चीज़ आती है पानी। गर्भवती महिलाओं को या फिर कहें कि हर एक व्यक्ति को पानी के लिए तो बहुत सजग रहना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि उसके शरीर में इस वक्त एक नया जीवन पल रहा है। तो उसको प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। ध्यान रखें कि रोज़ाना अतिरिक्त पानी पीना चाहिए। एक चीज़ और कि पानी साफ़ हो, ये ऐसा भी हम साफ़ नहीं कहते कि आप बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगवा लीजिए, अगर लगवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज घर में जो भी पानी प्रयोग किया जाता है साफ, नलके से ताज़ा साफ पानी भर के भी प्रयोग किया जा सकता है। पानी की हर बूंद आपकी गर्भावस्था को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में सहायक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विटामिन्स की बात करते हैं। तो विटामिन्स जो है गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़रूरी होती है। विटामिन्स जो है हमारे शरीर की ऊर्जा की, मतलब कैलोरी की पूर्ति करती है, और प्रोटीन के साथ में ये दिया जाने वाला बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हरी सब्जियां, दलहन, दूध आदि से विटामिन प्राप्त हो जाएगा। छठी चीज़ होती है आयोडीन। न्यूज़ में तो आपने खूब सुना होगा कि आयोडीन नमक से बच्चे में तमाम बीमारियों की इम्यूनिटी मिलती है, तो इसलिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग तो ज़रूर करें। इसके अलावा आयोडीन के कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जिसमें अनाज, दालें, दूध, अंडे, मांस आदि हैं, तो इनका भोजन में प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करें। इसके अलावा एक नई चीज़ है जिंक। जिंक अक्सर हम लोगों ने सुना होगा खेती बाड़ी के दौरान खेतों में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए नहीं है कि वही जिंक हम खिला दें, बल्कि जिंक एक ऐसा तत्व है जो शरीर की तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रतिदिन 10 से 15 से 20 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। इस महिला के शरीर को इस तत्व की कमी से भूख नहीं लगती है, शरीर का विकास रुक जाता है और त्वचा में बहुत सारे रोग होते हैं। इसके लिए जिंक की हमें पर्याप्त पूर्ति शरीर में करनी चाहिए। जिंक हमें हरी सब्जियों से मिल सकता है, और अगर कहीं समस्या होती है तो मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स आते हैं जिनमें जिंक उपलब्ध होता है और वो महिला को दिया जा सकता है। अब तो जिंक के अपने खुद के प्लेन जिंक के भी सिरप आते हैं जिनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, जिससे शरीर में जिंक की प्रतिपूर्ति हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के आहार में विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिला को अगर भूख नहीं भी है तो कुछ थोड़ा थोड़ा करके खाते रहना चाहिए, और हर 4 घंटे में कुछ खाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि माँ को भूख ना लगी हो, औरत को भूख ना लगी हो, लेकिन गर्भ में जो बच्चा है वो भूखा हो सकता है। वज़न बढ़ाने की चिंता करने के बजाय अच्छी तरह से खाने का ध्यान रखना चाहिए। कच्चा दूध ना पीना चाहिए, बल्कि उबाल के अच्छे से उसमें अगर हो सके तो हॉर्लिक्स वगैरह मिला के पीजिए, बहुत अच्छी बात होती है। मदिरा पान, धूमपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैफ़ीन की मात्रा कम करें, यानी कि जो चाय में मौजूद तत्व होता है कैफ़ीन, उसको कम करना चाहिए। चाय पीती हैं तो थोड़ा पिए, 200 मिलीग्राम से अधिक कैफ़ीन लेना जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को गर्म और मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ एनीमिया से बचने के लिए अखंड अनाज से बने पदार्थ जैसे अंकुरित दलहन, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, गुड़, तिल आदि को ज़रूर खाना चाहिए। एक तरह से सुबह जो गांव में अक्सर प्रयोग किया जाता है कि अंकुरित अनाजों का सेवन किया जाता है, ये किया जाता है तो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा होता है। साथ में गर्भवती के दौरान महिला का वज़न कम से कम 10 से 12 किलो तो बढ़ना ही चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखने। गर्भवती महिला को उपवास करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को मीठा खाने की इच्छा हो तो उन्हें अंजीर खाना चाहिए, जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है और इससे कब्ज़ भी दूर होती है। सब्जियों का सूप और सूप जूस लेना चाहिए भोजन के दौरान, इनका सेवन करें। बाजार में मिलने वाले रेडीमेड सूप और जूस का प्रयोग बिल्कुल ना करें। गर्भवती महिला को फास्ट फूड, ज़्यादा तला हुआ खाना, ज़्यादा तीखा मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए, और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन और आयरन की गोलियाँ नियमित समय पर लेते रहना चाहिए। ये सारा प्रेजेंटेशन बनाने में हमने डॉक्टर पारितोष त्रिवेदी जी का लेख है जो विकास पीडीएफ उन्होंने लिखा हुआ था, उसमें हमने सहयोग लिया हुआ है। अगर उन्होंने ये हमारा वीडियो देखा और ये प्रेजेंटेशन में उनको लगता है कि कहीं मुझसे चूक हुई हो, तो कृपया हमें
ज़रूर से ज़रूर बताएं। मैं इनसे पर्सनली मिला नहीं हूँ, लेकिन इनका लेख मेरे को बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये प्रेजेंटेशन में डाल के हम लोग अगर लेते हैं तो हम किसी और को भी एक अच्छी जानकारी दे सकते हैं। तो मुझे ये लेख पसंद आया। अगर आप इनका लेख पढ़ना चाहते हैं तो विकासपीडिया.इन पर जाके आप ज़रूर से ज़रूर इनका लेख पढ़ सकते हैं। केवल स्वास्थ्य से संबंधित नहीं, इनके लेख तमाम मुद्दों पे, तमाम विषयों पे, फाइनेंस और तमाम चीज़ों के बारे में विकासपीडिया.इन पर लिखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।